प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता: रामपुर बघेलान, सतना, रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा की बड़ी खबरें लेकर आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के ब्राह्मणों को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल होने के बाद रीवा में कल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा का पुतला दहन किया गया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा रीवा के नेता ऋतिक मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। ऋतिक मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की सहमति पर ही के मिश्रा के द्वारा एक समाज को अपशब्द कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र है ये। ऋतिक मिश्रा ने कहा कि अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मिश्रा की बातों से सहमत नहीं हैं तो वह तत्काल उन्हें पार्टी से निलंबित करें। ऋतिक मिश्रा ने प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा पर FIR करने की मांग की है, जिसे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। क्या ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला? ये कल से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा की है, और इस पे वो साफ साफ जो तो ब्राह्मणों को गाली देते नजर आ रहे हैं, तो हम उसी के लिए FIR करवाने की मांग करने आए हैं। कल हमारे भाजपा नेता माननीय गौरव तिवारी जी के नेतृत्व में हमने पुतला दहन भी किया है, और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी से कि क्या ये आपके इशारे पे हो रहा है, और यदि आपके इशारे पे नहीं हो रहा है तो आपने संगठनात्मक कार्यवाही उनके ऊपर क्यों नहीं की? वहीं बात करते हैं अगली खबर की। तो पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रीवा में इसकी शुरुआत 17 सितंबर से की गई है, जिसके तहत रीवा में नमो प्रदर्शनी लगाई गई। आज से नमो प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्र, बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह सहित तमाम लोग इस प्रदर्शनी में शामिल हुए। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर राजनीतिक सफर और उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है। प्रदर्शनी में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाई गई हैं, साथ ही अब तक की उनके किए गए कार्यों के बारे में भी बताया गया है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा में आवारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा इसे लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं, और सड़क पर बैठे आवारा पशुओं के नियंत्रण की भी बात कही जा चुकी है, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। सड़क पर बैठे आवारा पशुओं के कारण क्षेत्र के रहवासी और साथ ही आवागमन करने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा किसान भी परेशान हैं, क्योंकि आवारा पशुओं के खेत में जाकर उनकी फसल को नष्ट भी कर रहे हैं। समय समय पर इस पर कार्यवाही करने और लोगों को राहत देने की बात तो कही जाती है, लेकिन हमारी टीम ने जब जमीनी स्तर पर जाकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर कितना काम हुआ है और क्या लोगों को इससे राहत मिल पा रही है, तो आम जनता का कहना था कि वह अभी भी समस्या से परेशान है। बीच सड़क पर बैठे आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिसमें आवारा पशुओं की हालत गंभीर हो जाती है, साथ ही वाहन चालक को भी बड़ा नुकसान होता है, और कभी कभी वाहन तेज रफ्तार में होने के कारण मौत की खबरें भी सामने आती हैं। इसमें प्रभाव पड़ता कि हम लोगों का नुकसान है, अचानक गाय फंस गई कि हम लोग बचाए तो पलट जाती है, गाड़ी भी पलट जाती है, या कि कोई आदमी के भी चढ़ जा सकती है। ऐसे अपना का मतलब बहुत नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। एक अपना का सोची थे कि सरकार का की जाए, या गुरबन के सरकार का पाबंदी की जाए कि भाई इसको सुरक्षा करे शासन। आदमी तो अपन ढील दिए, खा लिए, दूध रगत दिए, हम लोगों के परेशानी हर जगह है, कहीं भी जाइए। अपना का यार यह मोड़ में मिले थे कि हर जगह, हर जगह, कहीं भी जाइए, हर जगह इतनी मात्रा में भयानक। अरे इससे तो ज्यादा ज्यादा कि आप हम लोगों का उतार के भी रख देना पड़ता है। ऐसे मतलब अपना का बहुत नुकसान, बहुत नुकसान है। गाड़ियाँ पलट जाती है, या कुछ हो गया, नहीं रुक पाई मान ले तो गाड़ी के नीचे भी आ जाते खड़े खड़े, उतार के रख देना पड़ता है अपने से। अरे भैया एमा, हमारा वजन के पूरा जो है, हम लोग जो है छोट किसान हैं, छोट मोट किसान हैं, मने जौनो मतलब बोबट है, वो सब सारे चीज खा लेते हैं। रात भर मने सोबे नहीं पावे, रात भर लई डंडा ताकत है,
उत्तो में जाए जाए सौ सौ मूड़ा जो है अंत से लिया लिया सगरे में छोड़ के जाते अपना के पूरा जो है एक थे खेती देखी सब ऐसा को खेत नहीं है कि मतलब न चरे हुए अब पूरा खेत खाली है हैं। तो यह है कि शासन का अपना पंजे हुआ करवाई कि कम से कम मवेशी तो ताले बंद ही जाए और जो ठोड़ के जाते हैं उनके ऊपर वो काने में फुलिया लगाए या बाग ही रहे बेचारे आगे देखिए इनते सगरा थाना के आगे जा उन कम से कम अपना के 150 बदला गुरुआ हैं और एक एक से अच्छी गैया हम हुआ रोड में बैठ जाते लोग एक्सीडेंट हो जाए उन गुरुअन के कारण तैयार है कि मतलब उनका जो है कुछ न कुछ मतलब बंदोबस्त करवा में या अपना के गौशाला में भेजवा में शासन अपना मतलब का संदेश शासन का दे चाहिए कि गुरुवन के का की जाए ये गुरुवन का अंबर चाहिए कि इनका गौशाला में सबको भेजवा में रोड खाली रहे कम से कम रोज ऐसा आए दिन डेली प्रतिदिन अपना के कम से कम 20 आदमी 15 जन मतलब एक्सीडेंट हो रहे हैं है, तो ऐसा ना है कि मतलब इनका जो है बंधक होए गुरुवन के चाहे शासन जहाँ भेजवावे या बंदोबस्त सरपंच सचिव का हुआ करवाई के और का गौशाला बनवाई के आ इकट्ठा रखवा में